बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दूध वाला दूध में पानी किस अनुपात में मिला है कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ध्यान दें, जब भी कोई वस्तु क्रय मूल्य पर बेची जाती है तो जाहिर सी बात है उसे ना लाभ होगा और ना हानि, फिर भी लाभ हो रहा है, फिर भी फायदा हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो आइए देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो हम इसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं 20% 20/100 यानी 20/20 यानी 1/5। और हमने सिखाया था कि कोई भी भिन्न क्या होती, कितना बटे किससे क्या होती। तो आइए देखिए यहां कितना लाभ हो रहा है, 1, और किस पर हो रहा है, 5 पर। इसका मतलब ये कि मांग को 5 रुपए में खरीदना चाहिए और 1 रुपए का फायदा लेकर उसे 6 रुपए में बेचना चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि मांग को तो क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ऐसी चीज मिला दी गई है जिसका कोई मूल्य नहीं है, और जितना मूल्य जितनी चीज में मिला दी गई होगी वही उसका लाभ होगा। तो हम बोलेंगे कितना लाभ है, 1, किस पर है, 5 पर। अगर 5 रुपए पर ही बेचने पर फायदा हो रहा है, वैसे तो 5 का माल 1 लाख में 6 में बेचना चाहिए, लेकिन सवाल करेंगे बेचा भी 5 में ही है, खरीदा भी 5 में और बेचा भी किस में, 5 में। इसका मतलब है जो लाभ लेना है तो उतने रुपए का या वो चीज मिलाई है जिसका कोई मूल्य नहीं हो। तो हम बोलेंगे कितना पानी है, 1, और किस पर है, 5 पर। यानी दूध कितना है, 5, और पानी कितना मिला है, 1। तो हम पूछेंगे दूध पानी का रेशियो क्या है, तो आप 5 लीटर दूध में 1 लीटर क्या मिला देंगे, पानी। एक बार रिवाइज करते हैं, 20% प्रॉफिट है, 20% का मतलब 1/5 प्रॉफिट है। तो मैंने कहा प्रॉफिट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि माल को क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब उस में कुछ ऐसी चीज मिक्स कर दी गई जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो मैं